हाँ तो दोस्तों, राजस्थान पीएनबी पियोन रिक्रूटमेंट 2022। राजस्थान में पंजाब नेशनल बैंक में चपरासी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राजस्थान पीएनबी भर्ती 2022 जो कि लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा, 10वीं और 12वीं की परसेंटेज के आधार पर आपका चयन होगा। आवेदन निःशुल्क है इसका। झुंझुनू में 3 जगह हैं, एक जनरल की, एक एससी की और एक ओबीसी की। हनुमानगढ़ में 7 जगह हैं, 2 जनरल की, एक एससी की, एक एसटी की, 2 ओबीसी की और एक ईडब्ल्यूएस की। चूरू में कुल 9 जगह हैं, जिनमें से 3 जनरल की हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1। श्रीगंगानगर में 22 जगह हैं, सबसे ज़्यादा जगह 22, जनरल की 8, एससी की 5, ओबीसी की 4, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 2। उसके बाद जयपुर में 6 जगह हैं, जनरल की 2, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। सीकर में 8 जगह हैं, जनरल की 3, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। भरतपुर में 16 जगह हैं, जनरल की 6, एससी की 3, ओबीसी की 3, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2। उसके बाद में धौलपुर में आ जाइए, धौलपुर में 6 जगह हैं, जनरल की 3, एससी की 1, एसटी की 1 और ओबीसी की 1 जगह। भेजना कहाँ है आपको, देख लीजिए आप। राजस्थान में बैंक चपरासी भर्ती की, ये तो झुंझुनू, नगर, चूरू, जयपुर, सीकर, भरतपुर, धौलपुर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अन्य जिलों का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। आवेदन निःशुल्क है इसका। उसके बाद में आ जाइए, एज लिमिट आपकी 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आ जाइए, जो क्वालिफिकेशन है आपकी 12वीं पास रखी गई है और आपका जो सिलेक्शन है वो 10वीं और 12वीं परसेंटेज के आधार पर होगा। 10वीं के 40% अंक लिए जाएंगे और 12वीं के 60% अंक लिए जाएंगे, उसके आधार पर आपका चयन होगा। हाउ टू अप्लाई, जिस जिले की जगह निकली है आप उस जिले के स्थायी निवासी होने चाहिए। आपके मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र उसी जिले के होने चाहिए जिस जिले से जगह निकली हैं, जिस जगह के आप निवासी हैं। आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी एवं स्वयं की सत्यापित करके लगानी है। इसके बाद आवेदन फॉर्म और डॉक्यूमेंट को उचित आकार के लिफाफे में डालकर अंतिम तिथि से पहले दिए गए पते पर भेजना है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर अधीनस्थ वर्ग में चपरासी की भर्ती 2021-22 कैटेगरी खाली जगह जरूर लिखें। इसका मतलब यह है कि आपको खाली जगह में अपने जिले का नाम लिखना है और कैटेगरी का नाम लिखना है, किस कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं। उसके बाद पता देख लीजिए आप, यदि आप हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के रहने वाले हैं तो आपको पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय गोयल टावर तीसरी मंजिल जंक्शन टाउन रोड हनुमानगढ़ राजस्थान में भेजना है, जिसका पिन कोड 3355 है। उसके बाद में यदि आप श्रीगंगानगर के हैं तो आपको पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय पीएनबी हाउस मीरा मार्ग खिची चौक के पास जवाहर नगर श्रीगंगानगर राजस्थान भेजना है, जिसका पिन कोड 3355 है। यदि आप सीकर और जयपुर के हैं तो आपको अपना फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय 2 नेहरू प्लेस द्वितीय तल टोंक रोड जयपुर पिन कोड 30-20-15 पर भेजना है। धौलपुर और भरतपुर के हैं तो आपको पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय सुपर बाजार भरतपुर में भेजना है।